अभी सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल ईश्वर टीवी को और देखिए वीडियोस सबसे पहले। आज के इस परिवेश में भी यही एक बड़ी घटना घट रही है। आज के परिवेश में भी पति और पत्नी का संबंध को यहां पर श्रद्धा और विश्वास का संबंध बताया गया है। स्त्री श्रद्धा है, पति विश्वास है, और जब तक ये दोनों एक साथ रहते हैं तब तक समझ लीजिएगा कि कोई घटना नहीं घटेगी। लेकिन जिस समय, जिस पल इन दोनों के बीच में मतभेद होते हैं तो गड़बड़ होती है। श्रद्धा के बिना विश्वास को भटकना पड़ता है। हुआ ऐसा ही हुआ था, जब सती नहीं मानी और सती गई। अब पूरी घटनाक्रम आप जानते हैं। अंतोगत्वा हुआ क्या कि सती ने जब देखा कि शिव का भाग नहीं है, सती को क्रोध आया और क्रोधाग्नि में खुद जल गई। क्रोध किसी का बुरा नहीं करता, क्रोध करने वाले का ही बुरा करता है। क्रोध कभी किसी का बुरा नहीं करता, क्रोध करने वाले का ही बुरा करता है। और उस क्रोध में सती तो गई, लेकिन सती के जाने से जो विश्वास रूपी शंकर हैं वो दुखी हो गए। तो जब श्रद्धा नहीं रही तो विश्वास रूपी शंकर अंतरिक्ष में भटकने लगे विरह में। श्रद्धा के बिना विश्वास भटकता है और विश्वास के बिना श्रद्धा को जलना पड़ता है। अगर शिव पर विश्वास कर लिया होता तो सती को जलना नहीं पड़ता। आज के परिवेश में अगर मैं इस कथा के पूरे दर्शन में जाऊं तो आज वो सती तो एक बार जल गई, फिर पुनर्जन्म मिल गया, पार्वती हो गई। लेकिन आज की सतियां, आज की बेटियां, ये छोटी छोटी चीजों की वजह से प्रति पल सती हो रही हैं। वो मरने वाला सती तो बहुत अच्छा है, मैं जो कह रहा हूं वो समझ रहे होंगे आप। कारण क्या है? विश्वास और श्रद्धा का मिलन नहीं हो पा रहा। ये मिलन कई कारणों से नहीं हो पा रहा है, इसके पीछे भी कई कारण है। और उन कारणों में एक सबसे बड़ा कारण है कि विवाह एक संस्कार है, और विवाह आजकल एक, मतलब क्या कहूं, क्या बन गया है संस्कार। अगर संस्कार रहता तो संस्कार में वजन होता है, बाकी मुझे कहने की आवश्यकता नहीं। बहुत पहले एक मूवी आई थी, एक पिक्चर आई थी, एक सिनेमा आया था, उसका नाम था दूल्हा बिकता है बोलो। 40-45-50 ऐसे हो गए होंगे इसको। तो जो चीज खरीदी जा सकती है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, जो चीज खरीदी जा सकती है क्या गारंटी है कि दोबारा नहीं बिकेगी? और जो खरीदार किसी चीज को खरीद रहा है क्या गारंटी है कि वो इससे बोर नहीं होगा और दोबारा कुछ नहीं खरीदेगा? जिसको खरीदने का है तो वो तो नहीं, ये नहीं और सही और नहीं और सही। जब ये परंपरा पड़ी तो घर टूटने शुरू हो गए, क्योंकि हम रामचरितमानस और ग्रंथों से दूर हो गए थे। ये दूर होने के कारण ही घटनाएं घट रही हैं, क्योंकि घरों से रामचरितमानस का वाचन बंद हो गया। परिवार कैसा हो, जीवन कैसा हो, संघर्ष कैसा हो, समर्पण कैसा हो, त्याग कैसा हो, राम जी के साथ घटना घटी। सीता कौशल्या के पैरों को पकड़ के बैठ गई जब तक हानि हो गई। मां सीता तब तक पकड़े रही माता कौशल्या के पैर जब तक उन्होंने हां नहीं कह दी, और उन्होंने हां ना कहलवा दी श्री राम जी से, हिली नहीं। कारण क्या था?
क्या सीता को राम बहुत प्रिय थे? हां, सीता को राम बहुत प्रिय थे। तो राम का कहना क्यों नहीं माना? रुक जाओ, अगर प्रिय थे तो रुक जाओ। नहीं, सीता को जितने राम प्रिय थे उतने ही अपने पिता भी प्रिय थे। अगर सीता उस दिन राम के कहने पर रुक जाती महलों में, तो आज सीता पूज नहीं रही होती।